नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं संघर्ष दिल्ली न्यूज चैनल और आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में, जहां पर अंजना पवार जी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिन्होंने हमेशा सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका अधिकार दिलाया। चाहे लड़ना हो, झगड़ना हो, किसी भी देश के कोने में जाकर उनके अधिकार की आवाज उठानी हो, मैडम हमेशा पहुंचती हैं। और आज एक सौभाग्य की बात यह रही कि मैडम को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है, जो की एक टीम यहाँ पहुंची है इनके स्वागत के लिए। ये वो टीम है, वो सफाई सैनिक है जिन्होंने हमेशा अपने अधिकार की, अपने हक की जब बात यहाँ आकर मैडम के सामने रखी तो यहाँ से हमेशा झोली भर कर गए, कभी निराश नहीं गए। तो आज इनसे बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं रिंकू चावरिया, गुड़गांव से। हम तो पहले तो मैं मैडम का हम स्वागत करते हैं सब मिलके कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैडम को दोबारा से भारत सरकार का उपाध्यक्ष बनाया है और इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। बस जो भी हमारी सफाई की समस्या रहती है, मैडम उनको निर्भर करती है और मैडम का दिल की गहराई से धन्यवाद बार बार करते हैं। मैम, सफाई सैनिक बहुत खुश है, आप राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर आई हैं। एक उम्मीद थी इन लोगों को कि आप यहीं रहे, तो एक अच्छे पद से आप दोबारा से इनके बीच लौटी है, इनके लिए क्या कहेंगी आप? मैं बहुत इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि ये लोग जो हैं, इन्हीं के बल पर, इन्हीं के सपोर्ट से मैं आज समाज में कुछ काम कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, मतलब कोई एक व्यक्ति बनता है, लेकिन उसको जब पूरा समाज, पूरे सब लोग अपने अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो उसका मनोबल दुगना हो जाता है। तो मैं एक बार पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और मेरे जो संगठन के लोग हैं, मेरी उन सब का मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सदस्य से उपाध्यक्ष बनाया और मैं उनके, मतलब इस जो मुझे ये पद जो नवाजा है उसके ऊपर मैं बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगी। अपने समाज के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगी, अपने समाज को एक अच्छी दिशा और अच्छी दशा दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगी। सुना आपने, अंजना पवार जी जो पहले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य थी, उस पद पर रहते हुए भी इन्होंने उन सफाई सैनिकों के लिए बहुत काम किया जो शायद ही कभी उस शोषण से निकल पाते, उनके अधिकार शायद ही उन्हें मिल पाते। इनके अच्छे बेहतर काम को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इनको राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष के पद से नवाजा। और मैडम ने सबसे अच्छी बात ये कही कि हमें अपनी बेटियों को सबसे पहले शिक्षित बनाना है, ताकि अब जो नई नई केसेस निकल कर सामने आते हैं, बेटियों का शोषण, महिलाओं का शोषण, उस पर रोक लग पाएगी। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और इसको मैडम खुद मानती हैं, क्योंकि ये खुद एक शिक्षित महिला हैं और इस पद तक पहुंचने के लिए इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और आज उसी मेहनत को ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं के सम्मान के लिए, सभी सफाई सैनिकों के लिए मैडम उनके अधिकार के लिए लड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सम्मी सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, संघर्ष दिल्ली न्यूज चैनल।